मकान भले ही ईट और पत्थर से बनता हो, पर एक घर रिश्तों से बनता है आ, क्या बात है? आज के दौर में भी ज्वाइंट फैमिलीज मौजूद है तेरे दिल के सिवा मेरे पास रहने को जगह ही कहाँ है बिजनेस में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए मामू वेट उनके वेट तो भी तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज्यादा हिट और बहुत ज्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही जबरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे विमेश पाठी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फ़िल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी के पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सिदेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही जबरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दोपाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर देगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही जबरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं जबरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वरिष्ठों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फ़िल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दोपाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो सौ अस्सी करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वरिष्ठों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फ़िल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान भी है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदी ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस श्रदेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान भी है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी के पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पाड़ी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे विमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सिदेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे उमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस शुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे उमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सिदेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिजनेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस शुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी के पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर देगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दोपाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर देगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वरिष्ठों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फ़िल्म में थलापाती विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दोपाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूजिक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो सौ अस्सी करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वरिष्ठों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फ़िल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदी ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फ़िल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस श्रेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान भी है लेकिन फिल्म में दो तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी के पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सिदेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे विमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस श्रेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे उमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस शुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे उमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस श्रदेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिजनेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक मन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर तो देगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी के पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सिदेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर देगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दोपाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर देगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही जबरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं जबरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फ़िल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दोपाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूजिक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वरिष्ठों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फ़िल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदी ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फ़िल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस श्रदेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी के पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे उमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे उमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फ़िल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी के पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस शुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाठवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्चों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक़ से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे उमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक सोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर देगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक सोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर देगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनके आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी के पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाठवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर देिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को दस करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बताता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थोमन एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस सुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर देगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस साउथ की बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा हैंडसम हीरो की फिल्म की बात करने वाले हैं जिनकी आज तक तमाम ही ज़बरदस्त फिल्में सुपर डुपर हिट रही जिन्होंने इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म की जिसका नाम है वारिसो जिसमें हीरो के रोल में आप लोग को थलापति विजय देखने को मिलेंगे जिनकी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और इनकी इस फिल्म को 10 करोड़ से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोग को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगी जिस शोहरत में पुष्पा के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसे अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था एनिमल उसकी एक्टिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस फिल्म की यानी वर्षों की अगर कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में थलापति विजय उनका नाम विजय ही होता है जो कि खुद का बिज़नेस करके खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपना नाम बनाना चाहते होते हैं और इनके बाप इंडिया के जाने माने और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और विजय के बाप पर चाहने के लिए कि उनका फैमिली बिज़नेस वो आगे बढ़ाएं लेकिन विजय ये नहीं चाहता विजय के दो भाई होते हैं जो कि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल रहे होते हैं वो भी सिर्फ इस लालच में कि उनके बाप उन दोनों में से किसी एक को बिज़नेस सौंपेंगे और वो मालिक बन जाएंगे विजय को उसका बाप फिर सब कुछ छोड़ कर जाने को बोलता है विजय घर छोड़ देता है और अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है लेकिन फिल्म में दो सौ तो ट्विस्ट तब आता है जब इसके बाप को कैंसर हो जाता है और वो अपने दोनों बेटों के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पैसे अपने बाप के दुश्मनों से लेकर उनको टेंडर वगैरह सेल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे थे फिर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पर सालों बाद जब विजय आता है तो उसका बाप उसे जाने से रोकता है तो फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने बाप का कारोबार ही संभालना पड़ेगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे इतफाक से रहें इस किस्म की ट्विस्ट और सस्पेंस और दुश्मनी की पर बनी हुई ये फिल्म है तो दोस्तों फिल्म का एंड जानने के लिए आपको जरूर फिल्म को एंड तक देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे वमेश पारी पारी ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूज़िक थमन तो एस की तरफ से है और इसको प्रोड्यूस शुरेश परम पाटवी ने किया है उनके साथ ही दिल राजू और परल पाटवी भी, भी इस फिल्म को प्रोडक्शन में शामिल हैं और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर स्क्रीन स्टूडियो की तरफ से किया गया था और इस फिल्म को बहुत बड़े बजट से यानी दो करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें